गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग यम्मी मम्मी। कैसे हैं आप लोग सब? आज है 24th of June 2020 और शाम के 6:15 हो रहे हैं। तो आज आप सोच रहे हैं मैं इतना लेट वीडियो क्यों लेके आई। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैं सो गई थी, तो अभी मैं उठी हूँ 6 बजे। तो मैंने सोचा चलिए मेरे व्यूअर्स बैठे होंगे, वीडियो बना जाए। मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ, बहुत सोई हूँ इसलिए आंखें पूरी फुली फुली लग रही हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा स्किन केयर के बारे में, अपने चेहरे को पैम्पर करने के लिए एक बहुत अच्छा सा, जब बहुत ज़्यादा आप धूप वगैरह में जाते हैं काम करते हैं तो आपका चेहरे पे टैन हो जाता है, तो उस टैन को रिमूव करने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा नेचुरल एसेंस का एक लैक्टो ब्लीच है जो कि टैन रिमूवल क्रीम है विद मिल्क एंड हनी। ये नॉर्मल ब्लीच नहीं है, ये क्रीम की तरह है जिसे आपको अपने चेहरे के ऊपर या अपने बॉडी पे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे हार्डली 10 to 15 मिनट्स रखना है, और 15 मिनट्स से ज़्यादा आपको उसको नहीं रखना है। अप्लाई अ लेयर ऑन द फेस, कीप इट ऑन फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड आफ्टर सॉफ्ट मसाज, उसके बाद 15 मिनट के बाद उसको आप मसाज कर लीजिए एंड रिमूव विद वाटर। एडवाइस टू बी यूज एवरी डे। आप इसको, क्योंकि मैंने बोला कि ब्लीच नहीं था, आप इसे हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल क्रीम की तरह, फेस वॉश की तरह, स्क्रब की तरह, एंड देन रिस्टोर द नेचुरल फेयरनेस एंड द ग्लो ऑफ द स्किन। आपके चेहरे ने जो अपना असली रंगत खो दी है, टैन हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गए, झाइयां हो गई, तो उनको आपको ये रिस्टोर करने में, दोबारा से वापस लौटाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिल्क प्रोटीन्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि दूध किसी भी फेस पैक में मिला के जब आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें मिल्क प्रोटीन्स है, हनी है, हनी का काम आप जानते ही हैं कि हनी जो है वो आपके स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। हनी में अपने स्किन में अगर आप जिंदगी भर लगाते रहेंगे तो आपकी जो झुर्रियां हैं, आपको एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो स्टॉप करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड इट रिमूव्स, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एपिडर्मल सन टैन। जो आप लोग धूप वूप में जाते हैं आपके दाग धब्बे हो जाते हैं, सन टैन हो जाते हैं, सन बर्न हो जाते हैं, स्किन झुलस जाती है, उसको भी ये हेल्प करने में काम करता है। एंड हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द नेचुरल फेयरनेस ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग पिगमेंटेशन, झाइयां वगैरह जो हो जाती है ड्यू टू हार्मफुल स्किन। ये बिल्कुल अमोनिया फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, और 100% वीगन जो है ये लैक्टो ब्लीच टैन रिमूवल क्रीम जो है इसमें, इससे आपको ब्लीच वाले प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, आपके जो गाल के जो बाल होते हैं गोल्डन कलर के उन्हें ये ब्लीच नहीं करेगा। इट ब्लीचेज द स्किन एंड रिमूव्स द टैन, इस स्किन में से टैन को निकालने में हेल्प करता है और बिल्कुल स्मूथ सपल ये जो है वो स्किन देती है। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा मैट लुक देता है, इंटेंसिफाई लुक नहीं देता है, बहुत ज्यादा ऑयल लुक नहीं देता है, और हॉट क्लाइमेट में आप इसे डेली लगा सकते हैं ताकि सनरेज से आप बचे रह सके। इसमें लैवेंडर ऑयल के बेनिफिट्स हैं जो ऑयल बैलेंस करने में हेल्प करता है और अपने आपके चेहरे को स्मूथ और नॉन ग्रीजी बनाता है। तो इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी है क्योंकि इसमें हनी है, तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन सब इसे लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम्स की है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपए की है। इसको आप कहीं से भी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी खरीद सकते हैं, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2022 तक की, मतलब आप जो भी डेट पे खरीदेंगे तो 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये कुछ इस तरीके से डब्बे में आता है, एक येलो कलर के डब्बे में, और उसके ऊपर नेचर्स एसेंस एरोमाथेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशंस लैक्टो ब्लीच लिखा हुआ है, टैन रिमूवल क्रीम विद मिल्क एंड हनी। तो इसका आपको एक थिन लेयर लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। ये बिल्कुल भी ब्लीच की तरह नहीं है कि आपको एक्टिवेटर लेके इसे मिक्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक थिन लेयर लीजिए और ये बहुत ही इजीली आपके स्किन के ऊपर ग्लाइड हो जाता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्रीम। ये देखिए, तो मैं आज सोच ही रही थी कि मैं आज कोई फेस पैक या कोई इस तरीके का चीज का आपके पास रिव्यू, डेमो और दिखाऊंगी वीडियो बना के, इसलिए मैं सुबह से थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और अभी मैं शाम को, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी बस फेस वॉश करने के बाद कोई भी आप फेस पैक, फेस मास्क लगाए तो याद रखिएगा आप अपने चेहरे पे तब लगाए जब अपने चेहरे पे आपने कुछ भी ना लगाया हो, ना कोई टोनर, ना प्राइमर, ना सीरम और ना ही कोई क्रीम। आपकी स्किन बिल्कुल बेयर होनी चाहिए। हाँ, और ये याद रखिएगा कि क्लियर स्किन पे, क्लीन स्किन पे आपको लगाना है। तो अपना फेस वॉश अप करने के बाद उसको आप लगाइएगा। और यहाँ मेरा बेटा उठ
सो के उठ गया है और इसकी शैतानियां शुरू हो चुकी हैं। ये 50 ग्राम क्वांटिटी अगर आप तो डेली भी लगाएंगे फिर भी आपका इजीली ये 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते जाएगा। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में इतना टाइम भी किसी के पास नहीं रहता है कि वो डेली लगा सके, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 बार तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए कीजिए ताकि आपको सनबर्न वगैरह की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई घर में तो बैठ के, अभी तो कोरोना के वजह से फिर भी लोग घर में बैठते हैं लेकिन जनरली तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये मेन विमेन कोई भी लगा सकता है, 18 साल से उम्र से ऊपर का कोई भी इंसान इसको लगा सकता है। हाँ, बच्चों की रीच से इसको आप दूर रखिएगा। अपने नेक पे भी हम लगा लेंगे। जब भी आप कोई भी फेस पैक या फेस मास्क लगाएं तो उसको अपने नेक एरिया पे भी जरूर लगाइए ताकि फेस और नेक हमेशा हमारा दिखता है तो दोनों में इक्वल बेनिफिट्स हैं। तो ये हमने लगा के एक थिन लेयर लगा के हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से लगाइए कि आपका पूरा चेहरा और नेक कवर हो जाए और वो बहुत ज्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज्यादा थिक भी ना हो, नहीं तो उसको सूखने में प्रॉब्लम। थिन होगा तो बेनिफिट्स आपको इजीली ज्यादा अच्छे से नहीं मिलेंगे और बहुत थिक हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपके चेहरे पे सूखेगा नहीं। तो उस तरीके से आप लगाइए कि आप इक्वली ना वो थिन रहे ना थिक रहे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया नेचर्स एसेंस का लैक्टो ब्लीच टैन रिमूवल क्रीम विद मिल्क एंड हनी। तो आप एक बार इसको डू गिव इट अ ट्राई, इसे आप जरूर खरीदिए मेरे कहने पे और आप इसका लाभ उठाइए। अब मैं आपको मिलती हूँ इसको धोने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद, तब मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को मेरे बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू, चाओ।